क्या आप जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ2 वेरिएंट में हमें पेट्रोल में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है, यहीं पे डीजल के अंदर हमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। और यही बात मैं Z4 वेरिएंट पे करूं तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हमें पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्त जो डीजल इंजन इसका सेकंड वाला आता है ना 97 किलोवाट का, वहां पे हमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना और आज हम आमने सामने Z2 और Z4 वेरिएंट को रख के बात करने वाले हैं दोनों गाड़ियों के डिफरेंस के बीच में। टेंटिवली अगर दोस्त मैं बात करूं गाड़ी के वेटिंग पीरियड की ना, तो तकरीबन 1 साल के करीब के आसपास का इनका वेटिंग पीरियड है। लेकिन दोस्त रुकना जायज है इन गाड़ियों के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप देखो भाई एक डी सेगमेंट को हिट करने वाली कार है, राइट? फॉर्च्यूनर ले लो या फिर आप ब्लॉस्टर ले लो, इस सेगमेंट को हिट करने वाली कार यही है इकलौता मार्केट में। दूसरा महिंद्रा के आप इंजन के ऑप्शन देखो यार, 300 न्यूटन टॉर्क, 370 न्यूटन टॉर्क, आपको इतने पावरफुल इंजन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इसके पूरे इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। चलने से पहले सबसे पहले गाड़ी के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई Z2 पे अगर मैं बात करूँ, हमें 13 लाख के एक्स शोरूम पे देखने को गाड़ी मिल रही है। यहीं Z4 पे आ जाते हैं तो 14,65,000 के एक्स शोरूम पे हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन भाई 1,60,000 रुपए का फर्क है। लेकिन दोस्त वो फर्क जायज है या नहीं, कितना जायज है, यही चीज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो आज मैं हूं कहां पे, मैं हूं श्री श्याम जी मेरठ के अंदर महिंद्रा का एक ऑथराइज शोरूम। सो कहीं से भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो बेस्ट डील के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Z2 वेरिएंट में मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप गाड़ी की ग्रिल देखिए, ट्विन पीक महिंद्रा के लोगों के साथ में ग्लॉस फिनिश में ये ग्रिल हमें ऐसी देखने को मिल रही है। यहीं पे Z4 वेरिएंट में हम चलते हैं तो सिल्वर फिनिश की ये कुछ ग्रिल ऐसी देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब इसके साथ में बाहर से तो इतना कोई खासा फ्रंट से हमें फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन Z4 में हमें कुछ इस तरीके से एरोडायनामिक वाइपर देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। बाकी Z2 में एक नॉर्मल वाइपर जिस तरीके से आ रहे हैं ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर मैं गाड़ी के साइड से बात करूं तो भाई 17 इंचेस के हमें टायर देखने को मिल रहे हैं। तो Z2 वेरिएंट में स्टील व्हील आ रहा है जो कि ट्विन पीक महिंद्रा के ये व्हील कैप के साथ देखने को मिलेगा, सही? फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक हमें देखने को गाड़ी में मिल रही है। इसके साथ पेंटालिंक सस्पेंशन के साथ ये दोनों गाड़ियां आ रही हैं। तो स्टैंडर्ड ये पेंटालिंक सस्पेंशन हो गए, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन हमें यहाँ स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। यहीं यहाँ पे आ जाऊं तो Z4 में आप एक चीज और देखो, रूफ रेल, सिंगल टोन की रूफ रेल इसके अंदर एड है एक्सटीरियर में। Z2 में वो हमें नजर नहीं आएगा। और साइड में हम बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्हील कवर हमें देखने को मिल रहा है। तो व्हील कवर ये आ गया, बाकी 17 इंचेस के ही टायर हैं तो सब कुछ सेम है। एक एड ऑन चीज ये आ जाएगी, Z4 वेरिएंट से आपको फुट रेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के अंदर रखा हुआ है फुट रेस्ट, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, सही? बाकी बात करते हैं गाड़ी के अंदर जाके और देखते हैं गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। तो यहाँ मैं Z2 पे आया, ये यहाँ पे सबसे पहले जो नजर डालने वाली चीज है वो यहाँ पे गाड़ी का इंटीरियर। आप ये देखो, गाड़ी को मैं बंद करता हूँ तो चाबी कुछ इस तरीके से प्राइमरी की सेकेंडरी की हमें ऐसी देखने को मिल रही है विदाउट सेंटर लॉकिंग, ट्विन पीक महिंद्रा के लोगों के साथ। तो ये रहेगा और ये कुछ गाड़ी का ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, सही हो गई बात। यहाँ पे सीट्स जो आ रही है हमें हाइट एडजस्टमेंट का, लंबर का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। फैब्रिक सीट्स इस गाड़ी के अंदर Z2 में देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये पावर विंडोज के स्विच हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ORVM जो है ना इसका, ये मैनुअली एडजस्टेबल है। तो ORVM के लिए आप कुछ यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, सही? तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। Z2 में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेयरिंग माउंटेड हमें कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो कंट्रोल है ना, ये हम यहाँ पे इसके सिस्टम को कर सकते हैं। आप देख रहे हैं
तो ये ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आएगा, लेकिन हमें कारबिट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो कारबिट से ना आप पूरा का पूरा अपना फोन यहाँ पे मिरर कर सकते हैं, और वीडियोस भी अगर आप चलाना चाहो तो चला सकते हो चलती हुई कार के अंदर। बट दोस्त, ये रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा क्योंकि इट्स नॉट सेफ, बट यस ये गाड़ी में फीचर है। तो ये साइड से आप यहाँ से इनकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। सही, तो सबसे पहले कंट्रोल्स करके देखते हैं इनकी सेटिंग को। हमें ये यहाँ पे वार्निंग का आया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज, ये कुछ देखने को मिलेगा। सो सही, अब ये हुआ। यहाँ पे आप देख लो तो स्टेयरिंग पे और चीज़ एक रह गई हमारी, ये हमें टिल्ट स्टेयरिंग देखने को गाड़ी में मिल रहा है। कॉम्बिनेशन स्विच हो गए परफेक्ट। अब ये कुछ इसके ब्लोअर्स के स्विच हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कम ज़्यादा करने के लिए, ये आप यहाँ से रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ। और ये यहाँ पे यूएसबी पे नज़र डालें तो एक यूएसबी है, सी टाइप हमें देखने को नहीं मिल रहा, ऑक्स मिल रही है, और ये पार्ट यहाँ पे खाली देखने को मिल रहा है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। ये यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल रहा है, बाकी आर्मरेस्ट ये अंदर कैविटी कुछ इस तरीके से है। सही हो गई बात, ये यहाँ पे फ्रंट हो गया। अब चलते हैं Z4 वेरियंट में और उसमें देखते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी खोली जाए और ये को देखते साथ ही सबसे पहले हमें लंबर सपोर्ट और हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल गया है। बाकी ये फैब्रिक सीट्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं, थोड़ा सा पैटर्न का यहाँ पे फर्क आ रहा है। और सेंटर लॉकिंग देख लेते हैं, तो लॉक अनलॉक हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइमरी की सेकेंड प्राइमरी की में लॉक अनलॉक हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लॉक हुआ अनलॉक हुआ। इसके साथ सेकेंडरी की हमें ये गाड़ी की प्लेन नजर आ रही है। सही हो गई बात। यहाँ पे इस पे अगर मैं बात करूं तो डोर्स पे हमें ये पावर विंडो के स्विच देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एंटी पिंच हमें ड्राइवर वाला देखने को मिल रहा है, और ये ऑटो डाउन फीचर के साथ आ रहा है। ORVM हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं है। सही, बाकी 4 स्पीकर्स हमें गाड़ी में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे चलते हैं, ग्रैब हैंडल एक आ गया यहाँ पे, Z4 से ग्रैब हैंडल स्टार्ट है। तो सीट को करा जाए बिल्कुल पीछे। सबसे पहले आप यहाँ स्टेयरिंग व्हील देखिए, तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ रहे हैं, इसके साथ सिल्वर इंसर्ट्स हमें यहाँ स्टेयरिंग व्हील पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखो कि क्रूज कंट्रोल भी इस वेरिएंट में हमें अवेलेबल हो रहा है। तो ये Z4 हो गया। यहाँ पे आप इसका ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे Z2 में कंट्रोल इधर थे, लेकिन ये इधर प्लेन है बिल्कुल, आप देख सकते हो। सिर्फ हमें हेडलैम्प एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। यहीं पर आ जाओ यहाँ, तो ये स्टेयरिंग से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इसके साथ ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब चलते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट पे। सबसे पहले मैं इंफोटेनमेंट पे बात करूँ, तो हमें यहाँ पे वायर वाला एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने को मिल रहा है। साइज में Z2 और Z4 के इंफोटेनमेंट सेम है, बस आपको इंटरफेस का फर्क मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो आ गया, FM आ गया, और यहाँ से आप कंट्रोल कीजिए तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो सेटिंग्स पे आ गए, ये यहाँ इंटरफेस ऐसा देखने को मिल रहा है, करेक्ट हो गई बात। अब नीचे देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमें ये AC आ गया, रिसर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ करने का आ गया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिल रहा है। ये हैजार्ड लैंप्स ऐसे हो गए, और मजे की बात चार्जिंग के स्लॉट, वहाँ पे Z2 में हमें एक ही मिल रहा था और एक ऑक्स मिल रहा था, यहाँ दो हमें USB के केबल फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिल रहे हैं। सही, ये चीज़ यहाँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे है गाड़ी, और ये हमें कप होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी आर्मरेस्ट सेम, ये यहाँ पे इमोबिलाईजर के लिए की का आ गया, और थोड़ा सा ये चेंज हो गया, यहाँ पे कवर लगा हुआ है। बाकी ये हार्ड टच डैशबोर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इट्स नॉट अ सॉफ्ट टच। और ग्लोव बॉक्स देख लेते हैं, तो ये ग्लोव बॉक्स ऐसा कुछ आ रहा है, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सेकेंड रो में चलते हैं और सेकेंड रो पे देखते हैं कि गाड़ी क्या वैल्यू एड कर रही है। तो Z4 पे ही मैं चलता हूँ सेकेंड रो पे, यहाँ पे आए तो सेकंड रो पे थोड़ा सा ये गाड़ी में इसके व्हील कवर और अपना ये फुटरेस्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, 60-40 स्प्लिट सीट ये कुछ आ रही है। बाकी आर्म रेस्ट हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रहा है। यहीं सेकंड रो पे नीचे आ जाते हैं, तो ये सी टाइप चार्जर हमें देखने को मिल रहा है, प्लस ब्लोअर के लिए यहाँ पे कंट्रोल करने का मॉड्यूल, और डेडिकेटेडली रियर में AC वेंट हमें यहाँ पे दे रखते हैं विद कूलिंग कॉइल के साथ। सही हो गई बात। अब Z2 में भी चल लेते हैं। सबसे पहले नजर डालने वाली बात है, ये हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है, इसके साथ सारे के सारे एडजस्टेबल हमें हेडरेस्ट गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। आइसोफिक्स सीट बेस वेरियंट से आ रहा है। बाकी यहाँ पे पीछे का हिसाब
ये है कि सी टाइप ही हमें चार्जिंग का पॉइंट मिल रहा है और ये सिर्फ एसी वेंट मिल रहे हैं। यहाँ कोई पीछे कूलिंग कॉइल देखने को नजर नहीं आएगा और फैन की स्पीड आप पीछे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सही हो गई बात, ये चीज़ है कुछ। और Z2 में हमें पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये शार्क फिन एंटीना स्पॉयलर, यस ये एक स्पॉयलर सो कॉल्ड हमें दे रखा है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पॉयलर, बट ये यहाँ हाई माउंटेड लैंप्स के साथ आ रहा है और पीछे बिल्कुल प्लेन हमें ये कुछ ऐसे गाड़ी देखने को मिल रहा है। सही, स्कॉर्पियो का बेज और रिवर्स में हमें पार्किंग सेंसर्स और ये रिवर्स लैंप ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बढ़िया, यहीं Z4 पे आ जाओ। Z4 पे एक तो स्पॉयलर ऐड हो गया, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स ऐड हो गए, रियर डिमिस्टर वॉश एंड वाइप ये यहाँ पे ऐड हो गया और बाकी नीचे से बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पे आ रहा है। तो ये है कुछ गाड़ी। और इसके डोर हैंडल आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पे ग्लॉस फिनिश में है नॉर्मल बॉडी कलर वाले, और यहाँ पे Z2 पे हमें मैट फिनिशिंग में इसके हैंडल देखने को मिल रहे हैं। सो यही था मेरी तरफ से एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकी आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लस आपका अगर अभी भी कोई और डाउट बचा है रिलेटेड टू स्कॉर्पियो तो यस आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। और बेस्ट डील के लिए आपको कहाँ पे जाना है, श्री श्याम जी महिंद्रा मेरठ के अंदर, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जो लोग भी महिंद्रा स्कॉर्पियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।